वो जो पीक दिख रही है गाइज वो है शीला की जवानी। शीला पीक कहते हैं, मैंने उसका नाम शीला की जवानी रखा है। हे गाइज गुड मॉर्निंग, आज की सुबह बहुत जल्दी हो गई है बिकॉज आज बबलू को काम करना है। आज बबलू बेटर फील कर रहा है? नॉट रियली। बबलू बेटर तो फील कर रहा है आज? नहीं, बढ़िया सा रहा था। बहुत सर दर्द हो रहा है। क्या बट कर रहा है? आई डोंट नो व्हाई। चल उठ तो गया आज, आज बबलू सुबह से उठ गया है 6:30। कैंपिंग वू। तो हम जा रहे हैं। बबलू वेयर आर वी गोइंग? वी आर गोइंग टू लांगसा। वी आर गोइंग टू लांगसा बिकॉज बबलू को लांगसा के बारे में बताना था एंड आज बबलू का ऑफिस का ऑफ नहीं है। So we have to go early so that she can start her work by 10:30 क्योंकि दुबई में time 9 बजे start होता है, है ना बाबू? Yeah. So अभी थोड़ा सा view enjoy करो सामने का and then we'll show you Langsa. Hey guys, what's up? We have reached Langsa and यहाँ पे अभी हमने मस्त ड्रोन शॉट लिए, लाइक सिक, लाइक पोर्ट्रेट मोड में भी लिए बिकॉज ऑफ रील्स एंड लैंडस्केप मोड में भी लिए हैं क्योंकि अब दोनों मोड में लेने पड़ते हैं। और अभी धूप आई है तो थोड़ी जान में जाना ही है, नहीं तो जो हाथ है ना ये देखो इतने रफ हो गए हैं, पूरे जम गए हैं, इतनी ठंड है, एकदम सूखी ठंड जिसको बोलते हैं ना, सूखी ठंड हो रही है। तो आपको काजा से अगर आप लांगसा आ रहे हो आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा, हम तो बहुत ही आराम से आए थे तब आधा घंटा लगा। एंड यहाँ पे विंटर्स में बहुत सुंदर है, नहीं बट यहाँ से नहीं, कॉमिक से ज़्यादा सुंदर है, बट यहाँ से भी सुंदर है। यहाँ पे बिकॉज ऑफ द बुद्धा बहुत अच्छा शॉट्स आते हैं। यहाँ पे अभी सारे होम स्टेज बंद हैं विंटर्स में, बट समर्स में रह सकते हो, विंटर्स में सब बंद है। सो अभी जो स्टे है वो सिर्फ काजा में ही हो सकता है, यहाँ ना हिक्किम ना कॉमिक ना लांगसा। इवन व्हेन यू आर कमिंग टू स्पीति यू इट्स make sense to make your base Kaza. And Kaza se tum idhar udhar ja sakte ho because these places can be covered within a day. Chalo hum Bablu ki jaldi se lete hain fir hum jaate hain Kim and Baba. 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 Chalo see you guys. वो जो पीक दिख रही है गाइज वो है शीला की जवानी। शीला पीक कहते हैं, मैंने उसका नाम शीला की जवानी रखा है। वो जो पीक दिख रही है ये वाली पीक है कनामो पीक, ये मैंने क्लाइम की थी 4 साल पहले। मस्त है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बट बस एक्लामेटाइज हो जाओ तो इजी है, नहीं तो फिर फट लेती है। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में हो गया। तो गाइस बबलू काम कर रहा है आज, तो मैं और जंगचुक निकल चुके हैं जो जो शॉर्ट्स बचे हैं सब लेने के लिए, क्योंकि कल हम शायद जा रहे हैं स्पीति छोड़ के। दिल तो करता नहीं है जाऊं बट जाना पड़ेगा, काम करना है भैया, काम फट जाऊंगा जैसे ही मैं वापस जाऊंगा, आई थिंक आई विल एक्सप्लोड कभू, बट कोई नहीं, चलो तुम लोग की मॉनेस्ट्री एंजॉय करो। नहीं ऊपर मॉनेस्ट्री आएगी, मॉनेस्ट्री नहीं आएगा। तो गाइस ये है ओल्ड एज होम, यहाँ पे स्पीति के जितने भी दादा दादी लोग हैं वो रहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब जिनके क्या बच्चे नहीं होते या क्या? कईयों के बच्चे नहीं है। हाँ। कईयों के बच्चे होते हैं लेकिन फिर भी मतलब अपने साथ नहीं रखते। हाँ। तो ऐसे लोग यहाँ आ जाते हैं। तो ये रेंचो कभी शीला पीक की स्टोरी बता रहा है। शीला पीक का ऐसा है कि लोगों का, गांव वालों का ऐसा मानना है कि जैसे अगर कोई ऊपर चढ़ता है पूरे टॉप पे तो बहुत ही भारी बर्फ पड़ जाएगी गाँव पे, पर मैंने सुना कि कोई चढ़ ही नहीं पाया आज तक, सब मर जाते हैं। चढ़ भी नहीं पाए। हाँ चढ़ भी नहीं पाया कोई। सही है, जो चढ़ता है तो
बर्फ पड़ जाती है और थोड़ा डिस्ट्रक्शन जैसा हो जाता है. डिस्ट्रक्शन ऐसा मानना है लोगों का. ऐसा लोगों का मानना. गाइस चिच्चम, हम जा रहे हैं चिच्चम का शॉट लेने. बढ़िया है. सो गाइस अभी आई कांट इमेजिन मेरे को कौन मिला है. हमें मिले हैं नवांग भाई. ये मेरे को 4 साल पहले लेके गए थे कनामो पीक पे. 6,000 meters. Hell yeah. तो अगर किसी को कनामो ट्रैक जाना है तो इनका नंबर लगा दूंगा मैं, इनको कांटेक्ट करना. ये किब्बर में रहते हैं. सब बढ़िया. और उर्दू भी ले जाऊंगा. बहुत कहाँ पे कोर्सों भी लेके जाएंगे. चलो हम चलते हैं ना, पहले समर में चलते हैं. लेके चलो समर में से. अभी आएंगे ना, कब आए बताओ. बताओ कब आए. ये आप लोग जून में आ जाओ. जून तो ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर जून में जाएंगे. मई जून अगस्त में आ जाओ या तो. अच्छा कब होगा दिखने लायक. दिखने लायक तो अगस्त जुलाई में. जुलाई में ना, तो जुलाई में आते हैं फिर तुम्हारे पास. ठीक है. फिर वो ये होके चलते हैं, क्या कहते हैं, परांगला होके. हाँ परांगला चलते हैं. परांगला बहुत सी है तो परांगला चलते हैं. फिर कोर्सोक निकलेंगे. कोर्सोक निकलेंगे. हाँ ये भी मेरी लिस्ट में है, बकेट लिस्ट में बहुत टाइम से. और इंशाल्लाह मैंने बताया था परांगला जाना है. 4 साल पहले भी मैंने बोला था परांगला जाना है. बट उसके लिए बहुत टाइम चाहिए ना. 8 दिन चाहिए. कितने दिन? 8-9 दिन में पहुँच जाएगा. 8-9 दिन लगेंगे. तो इतना टाइम कैसे निकालें. काम भी तो होता है ना. चलो इस बार कोशिश करते हैं करने की. ठीक है. ठीक है चलो मिलते हैं. झूले झूले. मैंने कहा, मेरी शक्ल देखी, मैं कहा यार इससे पूछ नाम क्या है इसका. नवांग था. नवांग मेमोरी अच्छा है आपका. हाँ मेमोरी अच्छा है मेरा. इट्स वेरी शार्प. ब्रेक इट्स चिच्चम चिच्चम. सो गाइस ये है चिच्चम हमारे पीछे. तो जब तक वो था झूला तब तक तो ये नहीं था इतना फेमस. बट जब से ब्रिज खुला है तब से अब यहाँ पे भी बहुत टूरिस्ट आने लगे हैं. यहाँ से भी कोई ट्रैक होना चाहिए यार ऊपर की तरफ. यहाँ से जा सकते हैं ऊपर वो पहाड़ के ऊपर. इट्स अ वाइट बेड शीट. माइंड स्टॉपिंग. तो गाइस ये हमें मिल गए हैं फेलो ट्रैवलर्स. ये देखो ये हैं बॉल्सी एंड गट्सी वाले. What's up, guys? What's up? ये बाइक पे चले गए भाई. एंड बाइक पे पूरा ट्राइपॉड लेके पूरा सेटअप चल रहा है. लाइक बाइक पे द ओनली रीजन व्हाई आई डोंट ट्रैवल ऑन बाइक इज बिकॉज मेरा पहले लाइक पहले जो होता था वो पहले फैंटम भी होता था, ड्रोन का बैग होता था, कैमरे का बैग होता था. दोनों साइड पे ड्रोन और कैमरे का बैग भर जाता था और फिर ना कैरियर टूट जाता था. तो कभी मैं बाइक पे नहीं गया. फिर लिटिल पेन बट ठीक है. But good to meet you. Yeah, there. Same here. Yeah. Oh God. Chalo. Yeah. Kahan, where are you headed? I'm heading down to Kaza after this. But yeah, thoda yahin pe milte hain time pass karke. Aap Kaza pe reh rahe ho? Haan haan Kaza mein. Oh damn. So Brinda is working. That's why humne kaha chaliya jo bache mein shorts hain sab le lete hain. I was expecting to meet her as well. She's down. She's working. Because Thursday usne off nahi liya tha, so she had to work. So abhi hum ja rahe hain. Abhi where are we going? We are going to Hikkim side. बस उसका वो shots बचे मेरे. Then we'll head back tomorrow. Yesterday we covered Hikkim, Lanza. कैसा है? Snow है? सही है. नहीं. नहीं ना. इस बार पड़ी नहीं खाली. यार इस बार एक महीना पहले पड़ी थी. 28 Jan they're saying. He sent me the picture. It's like ये है. It's crazy. I mean, kind of sad but ठीक है. So guys हम पहुंच चुके हैं चिच्चम ब्रिज पे और यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज है बताने को जो कि मैं एक एक करके बताता हूँ. तो ये ब्रिज नहीं था 4 साल पहले. 4 साल पहले वो उद्घाटन हुआ इसका और उससे उस टाइम भी मैं यहीं पे था. मुझे याद है उस तरफ उससे पहले यहाँ के जो गांव वाले चिच्चम गांव वाले वो ट्रॉली से जाते थे. वो छोटी सी एक ट्रॉली होती थी. तरंग कहते हैं उसको. क्या कहते हैं? तरंग. उसको तरंग कहते हैं. तो उसमें जाते थे क्रॉस करके. तो पहली बार जैंगचुक और मैं भी हमारी दोस्ती वहीं से हुई थी. हम ट्रॉली पर बैठ के गए थे. तब तुम भी बहुत छोटे थे. 2014 की बात है शायद. 2014 की बात है. 2014 की बात है. तो हम यहाँ पे आए थे और हम ट्रॉली में बैठ के 3 जने हम एक ट्रॉली में बैठे हैं और उस साइड पे भी कोई था नहीं तो हमें खुद खींचना था. और मज़े की बात यह है कि बीच में जाके वो अटक जाती है. यहाँ से चलती थी करते करते बीच में पहुँचती थी फिर रुक जाती थी. फिर ऐसा लगता था मरा 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 मरा. और नीचे ना एक ट्रैक्टर दिखता है. एक गिरा होगा पता नहीं किस ज़माने में वो ट्रैक्टर दिखता है गिरा हुआ यहाँ पे. तो अब ये ब्रिज खुल गया है तो चिच्चम वालों गाँव का भी मतलब पार्टी होगी उनकी. तो अब तो चिच्चम में भी काफ़ी टूरिस्ट आने लग गए. हाँ अब चिच्चम भी टूरिस्ट जाते हैं. पहले नहीं जाता था कोई भी इस ब्रिज की वजह से. सो थैंक यू ब्रिज.
अभी हम आपको ब्रिज के थोड़े ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं। हम वेट कर रहे हैं वहाँ पे, लोटे जी की बस खड़ी है वहाँ पे, अब वो जाएगी तो हम शॉट लेंगे। येरा ब्रिज ब्रेकेट्स, किसी को रॉक क्लाइंबिंग करनी है तो वो यहाँ से कर सकता है, यहाँ से सीधे खाई है नीचे, मतलब पता भी नहीं चलेगा किधर गई लाश। ब्रेकेट्स साला ड्रोन फिर से अपने आप लैंड हो गया, भगवान के लिए प्लीज सड़क पे लैंड हुआ। सामने दिखा रहे तो अभी कहाँ गया, परफेक्ट लैंडिंग, गुड जॉब ब्रेक इट्स। तो गाइस जब ऐसे फटती है ना, जब ऐसे गंदे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तब व्लॉग कैमरा फोटो वीडियो वो कुछ नहीं नज़र आता, इसलिए जो इतनी इंटेंस चीज़ होती है ना वो हमेशा मिस आउट हो जाती है, फिर वो हमेशा स्टोरी फॉर्म में ही दिखती है। बट गुड जॉब डीजे, तो अच्छा लैंड हो गए तुम। अभी हम जा रहे हैं लादरशिमा डैम, लादरचा ग्राउंड है चिच्चम के ऊपर है, क्योंकि हम ड्रोन को पकड़ते उसकी रोड पे आ गए हैं, सो माइट एज वेल चेक इट आउट। बबलू को लेके जाना था बट बबलू तो काम करने में लगा हुआ है, बट 12:30 बज गए हैं। चल ठीक है, इसको करके जल्दी से फिर निकलते हैं अपना हिक्किम कॉमिक, वहाँ पे जो हवा चलती है वो माई गॉड क्रेजी, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। यहाँ पे डेड एंड्स बहुत मिलते हैं, तो ये है डेड एंड, यहाँ से मतलब नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा कुदानी पड़ेगी, इतना रिस्क नहीं लेना। चलो वापस, आजा, बस बहुत है अभी, बस हो गई। आरियो सभी को, डर जाते हैं गाड़ी से, तो हमने इसलिए थोड़ा दूर लगाई हुई है गाड़ी। गैस हमें अभी ब्लू शिप दिखे, अगर वो भागे नहीं तो हम उनकी वीडियो ले सकते हैं।
सो गाइस हम नहीं जा पाए हिक्किम क्योंकि बबलू का मैसेज आ गया था, अगर जाते तो फिर कट जाता, बबलू मारता भाई, हम खौफ है बबलू का। एंड पपीज हैं यहाँ पे, क्यूटी पाइज, अच्छा अच्छा चॉकलेट खाएगा चॉकलेट। इसके बाद हम जा रहे हैं घर, बिकॉज मेरे को यहीं चलनी है, मैं काम करने और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तुझे कब अच्छा लगता है साले, मरने वाला मेरा भाई। चल कैसे दे दे आ जाए कैमरे पे कैसे नबल्स।